आप सम बेसिक डिसेंट चीज़ हैं। इंडियन रोड्स पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ शायद हर किसी के दादा परदादा कोई बहुत बड़े नेता या कोई किंग रहे थे, और रोड इनके बाप दादा के नाम की है। ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, जहाँ लोग एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करते नजर आएंगे, जहाँ लेन कट करते हुए वो आगे पहुँच जाते हैं और सोचते हैं कि आराम से आगे निकल कर चले जाएंगे, और कई बार ऐसा होता भी है। ऐसे बहुत से केसेस रोज़मर्रा हमें देखने को मिलते हैं, पर अगर आप गलत नहीं हैं और अपनी लेन में चल रहे हैं तो ऐसे लोगों को साइड से निकलने नहीं देना चाहिए, नहीं तो हर बार ये चीज़ करते ये नज़र आएंगे, जिससे सड़क पर जाम और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेन डिसिप्लिन इंडिया में बिल्कुल ही मिसिंग है, और ऐसे बेवकूफ़ों से अगर पाला पड़ जाए तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपकी कार में एक डैश कैम लगाओ जो इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके। बात करते हैं ऐसे एक वीडियो की। ये वीडियो एक एनोनिमस मेंबर ने ऑनलाइन ग्रुप पर शेयर किया था। उन्होंने बताया कि ये वीडियो बैंगलोर का है, जहाँ वो अपनी लेन में गाड़ी चला रहे थे, और तभी सामने से लेन कट करते हुए एक HR नंबर की गाड़ी आ जाती है, और फिर कुशाक में बैठा पर्सन यहाँ ओनर को गाड़ी पीछे लेने के लिए बोलता है। वो लेन कट करने की कोशिश भी करता है, पर उसे कोई जाने नहीं देता है। आगे आप वो डैश कैम फुटेज देख सकते हैं। बाकी इतना मेरे निकी ना आना दिल्ली എന്നിട്ട് അവൻ ഉമ്പലും കഞ്ഞും കാണിച്ചതും പോരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തൊലിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഉമ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Have some basic decency, man. Watching. तो आपने देखा यहाँ क्या हुआ। स्कोडा कुशाक में बैठा पर्सन यहाँ समझ रहा था कि वो अपने घर के गार्डन में गाड़ी चला रहा है, पर यहाँ दूसरी तरफ से सही एक्शन लिया गया, जहाँ इसे बीच से रास्ता काटने नहीं दिया गया, और ऐसे ही लोगों की वजह से जाम क्रिएट होता। अगर सब अपनी लेन में चले तो किसी भी जाम को क्लियर होने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। होपफुली ये वीडियो देखते हुए बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस कुछ एक्शन ले और ऐसे लोगों का कम से कम ई चालान कटवाया जा सके, ताकि लोग ऐसी हरकत करना बंद करें। बाकी आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।